तो बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अपन पढ़ने से पहले थोड़ी सी उसकी कुछ डेफिनेशन हमको समझाएंगे अपन। डेफिनेशन में जैसे क्या वेस्ट वाटर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेस्ट वाटर कहाँ से मिलता है अपने को, तो वेस्ट वाटर है वो डिफरेंट, जैसे डोमेस्टिक है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्री से भी आया हुआ वेस्ट वाटर होता है, उसमें इंप्योरिटीज होती हैं जो भी वेस्ट वाटर, जिसे वो वेस्ट वाटर बन जाता है, मतलब वाटर के अंदर ही कुछ इंप्योरिटीज मिलने के बाद वो वेस्ट वाटर बन जाता है, और उसकी कुछ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज भी होती हैं जो कि अपन ने पहले भी एक बार डिस्कस करी थी। सीवेज में क्या होता है, द वेस्ट वाटर कमिंग फ्रॉम वाटर क्लोजेट एंड कंटेनिंग ह्यूमन एक्सक्रेटा इज नोन एज सीवेज, जो कि वाटर क्लोजेट से अपने को मिलता है उसको अपन क्या कहते हैं, टॉयलेट से जो अपने को मिलता है उसको अपन सीवेज कहते हैं। अब सलेज क्या होता है, सलेज ये होता है वेस्ट वाटर कमिंग फ्रॉम बाथरूम किचन्स विच डू नॉट कंटेन फिकल मैटर इज नोन एज सलेज, यानी जो आपका वेस्ट वाटर बाथरूम और किचन से आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सलेज बोलते हैं। तो सीवेज और सलेज में डिफरेंस है, इसमें आपका वो टॉयलेट से जो अपना जो ह्यूमन एक्सक्रेटा मिलता है वो इसमें शामिल नहीं होता है, इसमें केवल बाथरूम और किचन का जो वेस्ट वाटर है वही होता है, उसको अपन सलेज बोलते हैं। ठीक है, तो सलेज और सीवेज में डिफरेंट है। प्लम्बिंग सिस्टम की बात करें तो क्या है, ये इंटायर सिस्टम जो पाइपलाइन है जो अपन वाटर सप्लाई के लिए बिल्डिंग में प्रोवाइड करते हैं, और जो सिस्टम अपना पाइप का डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर करते हैं फ्रॉम द बिल्डिंग, इस पूरे सिस्टम को अपन प्लम्बिंग सिस्टम बोलते हैं। तो किसी बिल्डिंग में पाइपलाइन जो कि प्रोवाइड की जाती है वाटर सप्लाई के लिए, और या तो सिस्टम वो पाइप है वो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर का प्रोवाइड किया जाता है बिल्डिंग में, वो एक तरीके से प्लम्बिंग सिस्टम है बिल्डिंग का। तो अपन आज पढ़ रहे हैं बिल्डिंग के ड्रेनेज सिस्टम को। ठीक है, अब सीवर में जैसे मैंने आपको बताया दिया कि ये पाइप कैरिंग सीवेज और वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज, जो अपने बात कर चुके हैं। सोइल पाइप क्या होते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखते जाओ। इट इज अ पाइप कैरिंग सीवेज फ्रॉम वाटर क्लोजेज, यानी टॉयलेट से अटैच जितने भी पाइप है जिनको वाटर क्लोजेस्ट से अटैच जो पाइप है उनको अपन सोइल पाइप बोलेंगे। वेस्ट पाइप क्या होगा, वेस्ट पाइप वो होंगे जो कि बाथरूम किचन सिंक वॉश बेसिन से जो पाइप अपन जिन पाइपों से वेस्टेज जो वाटर निकाल रहे हैं उनको अपन वेस्ट पाइप बोलेंगे। तो सोइल पाइप और वेस्ट पाइप में डिफरेंट डिफरेंस है, सोइल पाइप वो है जिनमें से जो पाइप में सीवेज को कंटेन करते हैं जो कि वाटर क्लोजेस से निकलते हैं। सीवरेज सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि सीवरेज का डिफरेंट टाइप है, उनकी डिफरेंट साइज होती है, उन सभी साइज को मिलाकर जो वेस्ट वाटर अपन टाउन से ले जाकर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं उस सभी पूरे सिस्टम को अपन सीवरेज सिस्टम बोलते हैं। जैसे किसी में भी आपने देखा होगा कि भाई सीवरेज सिस्टम है, यहाँ पे सीवरेज सिस्टम है, इसका मतलब ये होगा कि अभी वहाँ पे सभी घरों में से आपको वाटर क्लोजेस से और बाथरूम किचन से जो आपका जो आपका सीवेज और सलेज है दोनों को कंबाइंड करके अपन एक पाइप में से लेकर जा रहे हैं और ट्रीटमेंट प्लांट में उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को अपन बोलेंगे सीवरेज सिस्टम। अब वो प्लम्बिंग सिस्टम का ये पार्ट है, जैसे कि इसमें कुछ ड्रेन पाइप्स होती हैं, जैसे ड्रेन पाइपों में पानी की हैं, और कुछ सोयल स्टैक्स होते हैं, सोयल स्टैक्स से मतलब वाटर क्लोजेस जितने भी आपके टॉयलेट है उनसे अटैच है उनको अपन सोयल स्टैक्स बोलेंगे, और बाहर क्लीन आउट करने का तो सिस्टम होता है, ये टोटल सिस्टम है, ये आपका प्लम्बिंग सिस्टम का पार्ट होता है, और उसमें वेंट लाइन भी होती है, यानी वेंट के पाइप भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिनसे उनको एयर सर्कुलेशन मिलती है, और सील को मेंटेन करने का, सील को भी मेंटेन किया जा सकता है। तो ये वेंट पाइप, ड्रेन पाइप, सोल स्टैक और क्लीनिंग आउट सिस्टम, ये पूरा आपका प्लम्बिंग सिस्टम का पार्ट होता है। अब जैसे अपन कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि अपन मैन होल बनाते हैं, मैन होल से मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर आप आरसीसी या जो ब्रिक मशीनरी का एक चैम्बर बना देते हो सुटेबल इंटरवल के बाद में सीवर लाइन के अंदर, उसको अपन मैन होल बोलते हैं। तो मैन होल एक पार्ट हो गया जिसमें अपन पाइप के डिफरेंट इंटरवल्स के बाद में एक चैम्बर बना देते हैं, उसको मैन होल बोलते हैं। ट्रैप्स क्या है, ट्रैप्स एक फिटिंग है, सोइल पाइप के एंड पे भी दी जाती है और वेस्ट पाइप में भी दी जाती है, और ये प्रिवेंट करती है कि गैसेस जो होती हैं उनको बाहर नहीं आने देती सोइल पाइप और वेस्ट पाइप से। तो ये ट्रैप्स होती हैं, ट्रैप्स में कई टाइप की होती हैं और उसमें अपन डिस्कस करेंगे ट्रैप्स कितने कितने टाइप की हो सकती हैं।
उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हाउस ड्रेनेज के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई हाउस ड्रेनेज के प्रिंसिपल क्या है, वो आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि जितनी भी आपकी ड्रेनेज है, हाउस ड्रेनेज है, वो आपकी बिल्डिंग के साइड में से जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो बिल्डिंग के नीचे से अगर आपने उसको ले लिया। जैसे कोई भी बिल्डिंग है, आपने घर बनाया, एक रूम बनाया, किचन बनाया, हॉल बनाया, और आपने एक साइड में आपने उसमें अंदर टॉयलेट भी दे दिया। अब आपने क्या किया कि उसकी पाइप है वो कमरों के रूम के नीचे से या बिल्डिंग के नीचे से लेते हुए बाहर निकाल रहे हो, तो ये गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी इसकी ड्रेनेज सिस्टम है उसको आपको साइड में लेके, साइड में, बिल्डिंग के साइड में, आपको बिल्डिंग के नीचे से नहीं होना चाहिए, डाउन से नहीं होना चाहिए, उसके साइड में ले जाके फिर अपन उसको अलग से एक लाइन प्रोवाइड कराएंगे जिससे उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर भी की जा सके इजीली तरीके से। फिर जितने भी आपके जॉइंट्स हैं वो लीक प्रूफ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जॉइंट्स बनाए और वो उनमें लीक हो रहा है, वेस्ट वाटर निकल रहा है, ग्राउंड में जा रहा है, तो जिससे क्या होगा, एक तो क्या बिल्डिंग के पास में आपकी है ना सोयल के अंदर अगर वो वेस्टेज वेस्ट वाटर मिलेगा तो आपका बीरिंग कैपेसिटी सोयल की वो कम हो जाएगी, और जिससे क्या होगा कि आपके घर का जो मकान है उसकी फाउंडेशन है वो उसको नुकसान होगा। ठीक, सीवेज और जो स्लड है, स्लज है, उसको वो ग्रेविटी से बहना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर स्लोप देना चाहिए। जैसे आपने टॉयलेट से पाइप निकाला तो उसको प्रॉपर स्लोप दो, जहाँ तक आने के लिए, सोक पिट तक आने के लिए, या फिर आपने सेप्टिक टैंक है या फिर आपकी सीवर लाइन जा रही है उसमें आपको अगर उसको अटैच करो तो एक प्रॉपर स्लोप होना चाहिए उसका। और प्रॉपर स्लोप होने से मतलब है कि उसको प्रेशर से अपन उसको नहीं जाना चाहिए, वो उसका मतलब ग्रेविटी से जाना चाहिए। मतलब कि अगर आपका स्लोप होगा तो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा और ऑटोमेटिक जब आप उसमें फ्लश करोगे तो वो ग्रेविटी से आ जाता हुआ और वो चैम्बर लाइन के अंदर चला जाएगा। और दूसरे, हाउस के सिवा जितने भी हैं वो ऑलवेज भी स्ट्रेट होने चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उसको कर्व टाइप में बना दिया, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, कर्व टाइप में नहीं होने चाहिए। पूरा सिस्टम है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जिसका मतलब उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होने चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन उसको मिलना चाहिए। हाउस शुड बी, जो सीवर है शुड बी कनेक्टेड टू द मैन होल्स, जिस तरीके से करना चाहिए कि उसको सफिशेंट है वो आपको लेवल मिल जाए और वो उसमें बैक फ्लो नहीं हो कभी भी सीवेज में। मतलब उसका लेवल इस तरीके से, आपको इन्वर्ट लेवल पे इस तरीके से उसको मैन होल से अटैच करना चाहिए कि अगर उसमें अगर बैक फ्लो हो तो बैक फ्लो के वो सीवेज का पानी आपका अंदर नहीं आना चाहिए सीवर में। इस तरीके से अरेंजमेंट आपका होना चाहिए। फिर अगर बात करें अपन सीवर लाइन के डायरेक्शन की चेंज करने की, तो जहाँ जहाँ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है वहाँ वहाँ आपके एक चैम्बर बना देना चाहिए, इंस्पेक्शन चैम्बर जिसको बोलेंगे, या फिर जंक्शन हो रहे हैं, जहाँ भी जंक्शन मिल रहे हैं वहाँ अपने इंस्पेक्शन चैम्बर बना देंगे। जैसे मैंने आपको बताया मैन होल टाइप आरसीसी का, या फिर छोटा जो चैम्बर बना सकते हैं अपन। रेन वाटर है जो कि रूफ से आ रहा है, या ओपन कोर्ट यार्ड, मतलब आपका खुला होल है जहाँ से पानी आ सकता है और रूफ से आ रहा है, उसको आप सीवर लाइन के अंदर नहीं मिलाओ, हाउस के सीवर में मत मिलाओ उसको, उसको आप अलग से रखो, उसकी पाइपलाइन आपकी अलग से रहेगी। और किसी भी साइफनेस एक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी पाइप में, मतलब उल्टा फ्लो हो गया तो फिर आपकी जो सील है वो टूट जाएगी, तो आपको उसको वेंटिलेशन प्रॉपर देना पड़ेगा सिस्टम्स को, जिससे कि जैसे कि आपने टॉयलेट में देखा होगा कि अपन वेंट पाइप भी अलग से प्रोवाइड करते हैं, तो साइफनेस एक्शन है वो कैन बी नेवर बी परमिटेड। अगर ऐसा होगा तो आपकी जो ट्रैप्स के अंदर जो सील होगी वो टूट जाएगी, और जिससे क्या होगा कि स्मेल है जो गैसेस की वो आपकी हाउस में परमिट हो जाएगी, जो जिस जो कि आपके लिए मतलब हाइजीनिक नहीं है प्रॉपर तरीके से। अब बात करें ट्रैप्स और पाइप की, जो कि हाउस ड्रेनेज सिस्टम में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो हाउस ड्रेनेज सिस्टम में अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रैप्स। ट्रैप्स का मतलब जोन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रैप्स होते हैं जिनको अपन प्रोवाइड करते हैं। पाइप्स होते हैं और सैनिटरी फिटिंग्स होती हैं, ये आपके मेन कंपोनेंट्स हैं ड्रेनेज सिस्टम के। ट्रैप्स में अपन अगर अपन देखें तो ट्रैप्स गुड क्वालिटी के होने चाहिए, उनमें प्रॉपर वाटर सील होनी चाहिए, और अपन अगर अपन देखें तो वाटर सील इसमें अराउंड कितनी होती है, 50 मिलीमीटर होती है। अगर आपके कभी किसी एग्जाम में पूछा जाए कि अगर आप नॉर्मल वाटर सील अगर अपन देखते हो घरों में, अपन जो रखते हैं ट्रैप में, उसकी सील कितनी होनी चाहिए, 50 मिलीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर उसकी वाटर सील होनी चाहिए।
और उसका एंट्री सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो उसके अंदर अटक नहीं जाए और उसको अपन सेल्फ क्लीजिंग मतलब खुद ही क्लीन हो जाए वो, ऐसा नहीं हो कि वो खुरदरा हो या इस तरीके से हो जिससे उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो वो धीरे धीरे उसके अंदर वो ब्लॉकेज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर सर्फेस वो स्मूथ होनी चाहिए और उसके अंदर प्रॉपर डोर भी प्रोवाइड होना चाहिए जिससे कि ट्रैप को इजीली असेस करके साफ किया जा सके। ये नॉन ऑब्जर्वेंट जो मटेरियल होना चाहिए, इसका मतलब ये होना, ऐसा होना चाहिए मटेरियल कि ये किसी भी अगर वेस्ट वाटर है या आपका सीवेज या सलेज है उसको ऑब्जर्व नहीं करे, यानी अगर उसको ऑब्जर्व करने लग जाएगा तो वो सीलन देना स्टार्ट कर देगा, तो यानी या फिर उसके फ्लो को भी प्रभावित करेगा, तो ये ऑब्जर्व मटेरियल नहीं होना चाहिए। अगर बात करें ट्रैप की तो ट्रैप ये पी ट्रैप होता है, क्यू ट्रैप होता है, एस ट्रैप होता है, इसके डायग्राम हैं वो इस तरीके से होते हैं, जैसे कि आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये पी ट्रैप का मतलब ये है कि इसमें जो आपकी एक लाइन है वो आपकी 90 डिग्री पे आपको देखो इसके मिल रही है, और इसको अपन पी ट्रैप बोलेंगे। और क्यू ट्रैप में उसकी शेप क्यू टाइप की होगी और वो इंक्लाइन पोर्शन में उसका एंगल होगा, जैसा कि क्यू ट्रैप आपको दिख रहा है। इसी तरीके से एस ट्रैप होंगी, और इनमें जो आपका ये पी ट्रैप में जो ब्लू लाइन का दिखा रखा है, जैसे ये वाटर सील को मेंटेन कर रहे हैं अपन यहाँ पे, यहाँ से लेकिन यहाँ तक वाटर सील को मेंटेन करना, वाटर सील तीनों में मेंटेन होती है, और उस में लगभग 50 mm का, जैसे मैंने आपको बताया 5 cm वाटर सील, यानी वाटर इतने इसमें हमेशा रहेगा इतना वाटर, जिससे कि जो आपकी जो वेस्ट वाटर है उसमें जो आपकी रिएक्शन होने के बाद गैसेस रिलीज होती हैं, वो गैसेस आपकी इस पानी में से वाटर सील होने के कारण उसको प्रिवेंट कर देगी, रोक देगी, और बिल्डिंग के अंदर बदबू स्मेल नहीं है। तो तीन तरह के ट्रैप्स अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, पी ट्रैप, क्यू ट्रैप और एस ट्रैप। अगर इसका अगर आप अगर इस तरीके से डायग्राम देखें तो आपको दिखा रहा हूँ, देखो देखो वाटर सील है, जैसे ये क्यू ट्रैप है ऊपर वाला, और क्यू ट्रैप में अपन ने देखें कि वाटर सील है वो यहाँ रहेगा, क्राउन इसको बोलेंगे अपन, और ये अगर सीधा हो जाएगा तो पी ट्रैप हो जाएगा, एंगल में हो जाएगा तो पी ट्रैप हो जाएगा, और यदि ये एस टाइप में हो जाएगा तो एस ट्रैप हो जाएगा, और सील इसकी जैसे क्राउन ये रहेगा, क्राउन से नीचे इसकी सील रहेगी वाटर की सील, और ये इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसको अपन इजीली समझ सकते हैं। जैसे पी शेप में है तो पी टाइप में हो गया, क्यू शेप में है तो क्यू ट्रैप हो गया, एस में तो एस ट्रैप हो गया, डिप से लेके क्राउन के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी वाटर सील कहलाती है, मतलब अपन अगर वाटर सील की हड्डा नापेंगे तो कहाँ से नापेंगे, डिप से लेके क्राउन तक, तो ये आपकी वाटर सील कहलाएगी। ये तो वाटर सील मेजर करने का तरीका क्या है, डिप से लेके क्राउन तक के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस। इसी अगर ट्रैप के बेस पे अगर अपन बात करें तो इन्हें ट्रैप्स को अगर अपन क्लासिफाइड करें, मतलब ट्रैप्स को मिला के अपन अगर बात करें तो कुछ फ्लो ट्रैप्स बनते हैं इसी के बेस पे, यूज के बेस पे, इनके यूज के बेस पे कुछ गली ट्रैप्स बनते हैं, कुछ इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स बनते हैं, और इन तीनों ट्रैप्स को अपन कंसिडर करेंगे कहाँ कहाँ इनको यूज कर सकते हैं अपन देखेंगे। फ्लो ट्रैप्स को अपन नैनी ट्रैप्स भी बोलते हैं जो कि बाथरूम में यूज करते हैं, जैसे अभी आपको दिखाऊंगा मैं। जिस ट्रैप को अपन अपन एडमिट करते हैं स्लेज, स्लेज कहाँ बनता है, जहाँ की रूम से, फ्लोर ऑफ रूम से, बाथरूम से, किचन से जो वेस्टेज जो पानी निकलता है उसको स्लेज पाइप बोलते हैं। उसी स्लेज पाइप में अपन अपन क्या यूज करेंगे, फ्लोर ट्रैप या नहानी ट्रैप यूज करेंगे। तो दिस इज प्रोवाइडेड विद कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का भी हो सकता है, ये स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है, गैल्वेनाइज्ड ग्रेटिंग्स का, जाली का भी इसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं। इसकी एंट्री और लार्ज होती है और ये ब्लॉकेज को रिड्यूस भी करती है जाली लगाने से। तो कॉमनली जो अपन यूज करते हैं उसको अपन को नहानी ट्रैप भी बोलते हैं, इसको फ्लोर ट्रैप और नहानी ट्रैप यही है। जैसे ये आप सभी ने देखा होगा, जैसे आपके बाथरूम में भी यूज होता है और रूमों में भी यूज होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लोर ट्रैप और नहानी ट्रैप भी बोलते हैं। तो बाथरूम में जिसको यूज करते हैं, रूम्स में यूज करते हैं, किचन में यूज करते हैं, इसको अपन नहानी ट्रैप और फ्लोर ट्रैप बोलते हैं। ऐसे गली ट्रैप होता है, ये आपके जंक्शन है वो रूफ के ड्रेन और अदर ड्रेन जो कमिंग आते होते हैं किचन से और बाथरूम से, उसके जंक्शन पे प्रोवाइड किया जाता है, यानी रूफ में से जो पानी आ रहा है और बारिश का, और किचन और बाथरूम से जो पानी आ रहा है और उनके बीच के जंक्शन के बीच में इसको गली ट्रैप अपन प्रोवाइड करेंगे।
और इसमें साइड इनलेट जो अपन जिसमें से बैक इनलेट भी होती है जिसमें से अपनी रेन वाटर है वो एंटर करवा सकते हैं जो टॉप से आता है, और उसको भी अपन कास्ट आयरन से की ग्रेटिंग से कवर कर सकते हैं। गली ट्रैप हो सकता है वो पी सेव्ड क्यू सेव्ड और बी हो सकता है, एस ट्रैप नहीं होगा, पी सेव्ड और क्यू ट्रैप ही अपन लेंगे। और इसके अंदर जो वाटर सीलिंग अरेंजमेंट का प्रॉपर अरेंजमेंट होता है जिसकी वाटर सील नॉर्मली अपन ने बताया 50 मिलीमीटर 5 सेंटीमीटर से लेकर 7.5 सेंटीमीटर डी तक हो सकती है, इसको अपन बोलते हैं वो गली ट्रैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन ने क्या किया, एक तरफ से सलेज फ्रॉम बाथरूम और सिंक से आने वाला है, ऊपर से अपन ने रेन वाटर का जो पानी आ रहा है वो है, इन दोनों के जंक्शन को मेंटेन कर रहा है, जहां अपन दोनों को जंक्शन को मेंटेन करने के लगाते हैं उसको अपन बोलते हैं गली ट्रैप। और ये फिर सलेज पाइप के अंदर मिक्स हो जाता है। इसमें देखो अपन ने अभी क्या बताया कि पी ट्रैप, यहाँ पे देखो इसमें ये आगे अपन ने अभी क्या बताया था, ये गली ट्रैप में अंदर ही पी ट्रैप और एस ट्रैप अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। 90 डिग्री पे अगर अपन इसको अगर अटैचमेंट करना है तो अपन इसको पी ट्रैप यूज करेंगे, और यदि अपने को इसको अगर एंगल पे सेट करना है तो अपन इसको एस ट्रैप यूज। इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स होते हैं जो कि जंक्शन में हाउस सीवर और म्यूनसिपल सीवर में जो जंक्शन होता है वहां पे अपन देखते हैं कि अगर किसी और का भी सीवेज का पाइप है उस पाइप में उसकी सीवेज की एंट्री हो रही है और आपका हाउस सीवर भी उससे अटैच हो रहा है तो उसके जंक्शन पे अपन इसको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि म्यूनसिपल सीवर में से जो गैसेज हैं वो आपके हाउस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर नहीं आ जाए, तो इसको इंटरसेप्टिंग ट्रैप बोलेंगे जो कि आपको मैनहोल में प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जैसे झुंझुनू है या बड़ी सिटीज हैं जहाँ सीवर लाइन्स डली होती हैं, उन सीवर लाइन्स में से घरों में से सीवर जो सीवर जाता है उसको जब अपन मेन पाइप लेवल से अटैच करते हैं तो एक मैन होल बनाया जाता है, उस मैन होल से पहले अपन जो अटैचमेंट करेंगे उसमें इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स यूज करेंगे। ये इस तरीके का इंटरसेप्टिंग ट्रैप होता है जो जिसका यूज किया जाता है आपके, तो इसमें जैसे एक ऊपर वाला जो पार्ट है उसको अपन ने जो कि एंगल पे है, ये तो देखो इनलेट फ्रॉम हाउस है और ये आउटलेट टू स्प्लिट सीवर में मिल गया, बीच में वाटर सील का मेंटेन हो गया, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है चैम्बर है जिसको अपन यहाँ से अपन देख सकते हैं, ये है इसको अपन यहाँ बंद कर देंगे यहाँ से, ठीक है यहाँ से अपन इसको क्लोज कर देंगे और ये सील मेंटेन आती जिसको अपने वाटर सील कहते हैं जो डिप से लेकर ग्राउंड तक की बीच होती है इसको वाटर सील कहते हैं। अरेंजमेंट का तरीका इसमें दिखाई रखता है, देखो यहाँ से अगर अपन ने इसको दिया ये वैल्यू और यहाँ से दिया और ये घूम के यहाँ से पानी निकल गया यहाँ से, और यहाँ से अपन ने इसको इंस्पेक्शन तक बनाया तो यहाँ से यहाँ से अपन को क्लोज कर देते हैं, देखो ऊपर से अपन देख भी सकते हैं इसका प्लान भी लिया हुआ है, इसको इंटरसेप्टिंग टैप्स है, तो इंटरसेप्टिंग टैप्स कहाँ अटैच करेंगे अपन, मेन सीवर लाइन जो अपन जा रही है और घरों में जो सीवर लाइन ड्रेनेज सिस्टम है उसमें मेन वाल के बीच में अपन इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स को यूज करेंगे। इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स के एडवांटेज क्या है कि जितनी भी फॉल गैसेस होती हैं जो आपकी म्यूनसिपल सीवर की मतलब जिसमें H2S गैस भी निकलती है, कार्बोनिक जितने भी मटेरियल होते हैं वो आपके एनारोबिक कंडीक्शन में क्या करते हैं, जब उनमें गैसेस रिलीज होती है ना तो उसमें से वो गैसेस आपके अंदर घर के अंदर आ सकती हैं, उनको प्रिवेंट करने का काम इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स करता है। फिर हार्मफुल पैथोजेंस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो कि आपके हाउस ड्रेन में अंदर जा सकते हैं, उनको भी रोकता है। वेल डिजाइंड होते हैं ये इंटरसेप्टर जो कि इनको जो आपकी फॉल गैसेस उनको रिमूव करते हैं और म्यूनसिपल सिविल लाइन से। डिसएडवांटेज क्या है, यदि हैवी मैटर है शेल रिटेन इन द ट्रैप इन द डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर इज स्मॉल एंड द स्मॉल डिकम्पोज प्रोड्यूसिंग फोर गैसेज, अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी मैटर है अगर इसके अंदर रिटेन हो जाता है तो इस तरीके से ये डिस्चार्ज को ब्लॉक कर देता है, तो उसको डिकम्पोज करके ही आप उसको सही कर सकते हैं। वन प्लग इज ब्रोकन द फोर गैसेज शेल एंटर हाउस सीवर, अगर आप प्लग है वो उसका अगर टूट गया तो अगर वो फोर गैसेज वो सीवर एंटर कर सकती है घर के अंदर, और इसका क्लीनिंग या इसमें या वो डिफिकल्ट होता है
इंटरसेप्टर इटसेल्फ इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, ये अपने आप में एक डिजाइन इस तरह से होती है कि इसका इंस्पेक्शन करना भी तो डिफिकल्ट है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन अपन मेन होल से सिविल लाइन्स के बीच में अपन इसको प्रोवाइड भी करते हैं, और इसकी जो अंदर की सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, जिससे कि इसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स है वो रफ होगी तो वो उसको ब्लॉकेज कर देगी, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन इसमें से नहीं है, उसका भी ध्यान। अब जैसे अपन ने पढ़ा कि भाई इंटरसेप्टिंग ट्रैप है, गली ट्रैप है, तो इसी तरीके से अपने पास में एक ग्रिस ट्रैप भी होती है। ग्रिस ट्रैप का मतलब है, ग्रिस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि ला जितने हो आपके किचन है, आपका रेस्टोरेंट्स है, इंडस्ट्रीज है, इनमें जो वेस्ट जनरेट होता है ना, उसमें ग्रिस टाइप का मैटर होता है, उसके अंदर तेल, जो ऑयली मैटर होता है अपन जिसको कहते हैं, वो क्या होता है कि पाइप के अंदर उसके अंदर चिपक जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि वो एक उसके अंदर ऊपर के ऊपर अपने देखो गया स्कम बन जाता है। स्कम का मतलब है तेल और वो सब चीज़ें ऊपर जो पानी के ऊपर आ जाती है, इंग्लिश उसको स्कम बोलते हैं, जो क्या करते हैं कि पानी में एडिशन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। और एडिशन होने से क्या होता है, कम से कम उसमें हवा चलती रहती है तो उसके अंदर उसका डिकम्पोजिशन होता रहता है। तो ग्रिस ट्रैप क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसा चैम्बर होता है जो कि इन पाइपों में प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे आपका बहुत सारा ग्रीस आने की यानी ऑयल और ग्रीस आने की संभावना रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि होटल और रेस्टोरेंट रहते हैं, उनमें फिर अपन जब उसको पाइपलाइन से जोड़ते हैं तो उनके बीच में अपन इसको ग्रिस ट्रैप को प्रोवाइड करते हैं। और इन चैम्बर को प्रोवाइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, बेंड पाइप या टी पाइप होता हुआ लोग में वहाँ उसको उसको प्रोवाइड करते हैं। अगर अपन बात करें इसके डायग्राम की, तो ये इस तरह का है, इसका डायग्राम होता है। देखो इस तरीके से अपन क्या करते हैं कि ये प्लास्टिक का भी है और ये आपका आरसीसी का भी बना हुआ है। तो इसका ड्रेनेज से क्या होगा कि एक एक का फ्लो का आउटकम और दूसरे का जो इनकम और आउटकम उसका लेवल में डिफरेंस कर देते हैं। और फिर अपन इसको क्या करते हैं कि जब ये ऊपर आता है तो अपन इसको रिमूव कर लेते हैं, इसको मतलब वेस्टेज को रिमूव करना जरूरी है इसको, जिससे कि इसको क्लीन किया जा सके, इसी को अपन ग्रीस ट्रैप बोलेंगे। ये नॉर्मली वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे जहाँ आपके होटल रेस्टोरेंट है या किचन वाले एरिया में, जहाँ पे आपके ऑयल और ग्रीस का ज़्यादा आता है वेस्ट वाटर में, वहाँ अपन ग्रीस ट्रैप को प्रोवाइड करेंगे। अब बात करें पाइप्स की, तो जैसे मैंने आपको बताया पाइप्स, वो सोइल पाइप भी होते हैं, वेस्ट पाइप भी होते हैं, रेन पाइप भी होते हैं, एंटी सर्विस पाइप भी होते हैं, रेन वाटर पाइप भी होते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम में अलग अलग टाइप के पाइप होते हैं। तो अपन सोइल पाइप तो उनको बोलेंगे जो अभी वुमन एक्सपेक्टर जो लेके जाएंगे, यानी टॉयलेट वाले जो पाइप है उन सबको अपन सोइल पाइप बोलेंगे। वेस्ट पाइप वो होगा जो कि अपने को सलेज को कंटेन करेगा, सलेज में कंटेन करने वाले पाइप में जैसे कि बाथरूम का हो गया, किचन का हो गया, उनको वेस्ट पाइप बोलेंगे। वेंट पाइप अपन नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं ड्रेनेज सिस्टम में, वहाँ पे जहाँ पे भी अपने को एयर का सर्कुलेशन चाहिए ड्रेनेज सिस्टम में, वहाँ अपन उसमें वाटर सील को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रैप में उसको, और साइफनेस अगर उसमें क्रिएट नहीं हो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन उसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, वेंट पाइप प्रोवाइड करेंगे। ऐसे एंटी सैवनस पाइप भी अपन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अपने को ये एक तरीके का पाइप होता है जो कि वाटर सील को ट्रैप को और वाटर सील के ट्रैप को मेंटेन करने के काम में आता है, इसको अपन प्रॉपर वेंटिलेशन भी देता है एंटी सैवनस पाइप, जिसको प्रोवाइड करने से क्या होगा कि वाटर सील और ट्रैप की मेंटेन रहेगी। रेन वाटर पाइप सबको पता है, जो पाइप है वो केवल रेन वाटर को कंटेन करते हैं, उनको अपन रेन वाटर पाइप बोलते हैं। अगर अपन साइज वेरियस पाइप देखें तो सोइल पाइप की लगभग अगर अपन जो यूज करते हैं वो 100 मिलीमीटर की साइज का होता है, वेस्ट पाइप जो होता है वो 30 से 50 मिलीमीटर पाइप का होता है। और अगर वेस्ट पाइप वर्टिकल की बात करें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों अलग अलग है, वर्टिकल की बात करें तो 3 इंच यानी 75 mm का होता है, वेंट पाइप की बात करें तो 50 mm का होता है लगभग 2 इंच का, और रेन वाटर पाइप करें तो 3 इंच का होता है, एंटी सेवनस पाइप करें तो वो लगभग 2 इंच का पाइप होता है। तो ये साइज के वेरियस पाइप्स अवेलेबल है जो भी अपन बिल्डिंग्स में यूज करते हैं। तो
आज अपन यहीं तक तो अपन स्टडी करेंगे साइज ऑफ वेरियस पाइप्स। कल अपन जो यूज करेंगे वो सैनिटरी फिटिंग्स के बारे में अपन देखेंगे। तो यहाँ तक तो शायद क्लियर है सबको, वो डाउट नहीं होना चाहिए।